हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर में। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी इनवॉइस के बारे में, एक जीएसटी इनवॉइस बनाने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए बनाई है जिन्होंने मैनुअल अकाउंटिंग सीखे बगैर डायरेक्टली टेली, बीजी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि आज भी टेली या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या बैंकिंग संबंधी जो भी अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो टेली या बीजी में तो आराम से एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये बोल दिया जाए कि आप हमें मैनुअल रूप से एक जीएसटी इनवॉइस बना के दिखाओ, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद मैनुअल रूप से जीएसटी इनवॉइस ना बना पाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक जीएसटी इनवॉइस बनाने का सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, टेली या बीजी, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो एक जीएसटी इनवॉइस कैसे तैयार करते हैं, कैसे उन पर फॉर्मूले लगाते हैं और क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ों को हिडन भी रखते हैं, तो ये भी आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे तो बहुत देखे होंगे जीएसटी इनवॉइस बनाने के, और आप ये वीडियो भी जरूर देखना। फिर आप हमें कंपेयर करके ये कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये जो आज हम इस जिस वाउचर से हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से, इन दोनों इनवॉइस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप इस इनवॉइस को वहाँ से डाउनलोड करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन का कोर्स टेली बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक बिजनेस के रियल वाउचर के साथ प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक टैक्स इनवॉइस है दुर्गा ट्रेडर्स का, यानी कि दुर्गा ट्रेडर्स ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं और ये इन प्रोडक्ट की डिटेल है सारी। ये प्रोडक्ट्स के नाम है, ये इस प्रोडक्ट के HSN कोड है और ये इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी और यूनिट है, ये इसका बेसिक प्राइस है और ये इसके CGST रेट, ये इसकी CGST अमाउंट, ये SGST रेट और ये इसकी SGST अमाउंट, ये इसकी नेट अमाउंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो GST का इनवॉइस जनरेट कैसे करते हैं, कैसे वो ऑटोमेटिकली SGST और CGST चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इनवॉइस को देख के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रियां तो कर लेते हैं, लेकिन उस इनवॉइस के पीछे उसका बेस क्या है, कैसे SGST और CGST कैलकुलेशन होती है, ये बहुत से सारे स्टूडेंट को एक्चुअल में पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने, अगर आपकी मैनुअली अकाउंटिंग मजबूत नहीं है, कभी आपने मैनुअली इनवॉइस अपने हाथ से कभी इनवॉइस तैयार नहीं किए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, आज आपको मैं बताऊँगा भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो टैक्स इनवॉइस होते हैं GST के, वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे वो टैक्सेबल वैल्यू तैयार करते हैं, कैसे उस पर SGST और CGST लगा के नेट अमाउंट बनाते हैं। फ्रेंड, आपको मैं दो एक इनवॉइस के अलग अलग फॉर्मेट के जरिए आपको समझाऊंगा भी आपके सामने किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का किसी भी फॉर्मेट का इनवॉइस आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक हमारे पास फॉर्मेट इस टाइप का है और सेकेंड इनवॉइस हमारे पास ये है। तो फ्रेंड, दोनों में सेम ही हमारे पास प्रोडक्ट है, सेम ही हमारे पास क्वान्टिटी है, सेम ही इसके प्राइस है और सेम इसकी जो नेट अमाउंट है इनवॉइस की वो भी सेम ही है, तो लेकिन थोड़ा सा इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है इन दोनों में। अगर हम बात करें फॉर्मेट में तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों में कैलकुलेशन कैसी हुई है ये आज हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, अब जो ये इनवॉइस हमारे सामने है, इसी इनवॉइस को मैंने एक्सेल शीट में डिजाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड, अब मैंने इसके अंदर ये प्रोडक्ट के नाम, इसके HSN कोड और क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखी हुई है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना हो। और ये येलो कलर के जो कॉलम है, अब इस कॉलम में मैं वो चीज़ें देखनी है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो इस तरीके को SGST और CGST और नेट अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं इस कॉलम में जो हमारे सामने येलो कलर के कॉलम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए भी टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होती है। अगर टैक्सेबल वैल्यू है तो उस पर हम CGST और SGST चार्ज कैसे करेंगे, और नेट अमाउंट है तो उसमें हम टैक्सेबल वैल्यू और SGST को डिफरेंट अलग अलग कैसे करेंगे। तो एक बार हम हमारे टैक्स इनवॉइस पे चलते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे सामने टैक्स इनवॉइस है और ये इसके प्रोडक्ट के नाम है और ये इसके HSN कोड है।
जो कि गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट पे HSN कोड इशू किया हुआ है, और वो हमें जब किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ HSN कोड लिखना भी जरूरी होता है। और ये इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी यानी कि 7 कार्टून है, और ये इसकी अल्टरनेट यूनिट है यानी कि 7 कार्टून यानी कि 175 पीस है, 7 कार्टून में 175 पीस है। अगर हम बात करें एक कार्टून में फिर कितने पीस हो गए, अगर हम डिवाइडेशन करेंगे 175 डिवाइडेशन बाई 7 तो 25 पीस, यानी कि एक कार्टून में 25 पीस है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे 1601.56 रुपये ये वैल्यू आई है बेसिक प्राइस, और ये इस पे 14% का CGST, ये 14% SGST हुई है, हमारी नेट अमाउंट बन के आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हमें इस चीज़ का पता करना है भी 1601 रुपये जो हमारी अमाउंट है ये टैक्सेबल वैल्यू है या नेट वैल्यू है, हमें कैसे पता चलेगा, और हमें ये भी कैसे पता चलेगा भी 1601 रुपये जो हमारे पास प्राइस है वो पर कार्टून का है या पर पीस का है। हम दोनों तरीके से इसको देखते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी 1601 रुपये को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 1601.56 रुपये इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 11,210.92 रुपये, और इसी अमाउंट की जो इस प्रोडक्ट की जो फाइनल फिगर है विद टैक्स वो है 14,349 रुपये, यानी कि 14,349.98 रुपये में टैक्स इंक्लूड है 28% का, और हमारे पास यहाँ पे बेसिक अमाउंट आ रहा है 11,210 रुपये। इसका मतलब ये 1601.56 रुपये जो हमारे सामने आ रहा है ये टैक्सेबल वैल्यू है, अभी इस पर टैक्स चार्ज होने वाला बकाया है। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट की यानी कि ये जो प्राइस है ये किस यूनिट पे लगा हुआ है, तो वैसे तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारी मेन यूनिट होती है यानी कि ये पर कार्टून पे लगा हुआ है, ये अल्टरनेट यूनिट पे नहीं लगाता, और ये जरूरी भी नहीं है फ्रेंड्स अभी हर जो इनवॉइस होता है उस पर अल्टरनेट यूनिट साथ में आए, लेकिन मेन यूनिट आपके सामने आएगी आएगी। बहुत सारे इनवॉइस होते हैं उसमें ये अल्टरनेट यूनिट नहीं भी होती है, कई इनवॉइस में हो भी सकती है जैसे ये आपके सामने यहाँ पे शो किया हुआ है। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट था निखार का, इसमें 3 बॉक्स हैं और 3 बॉक्स यानी कि 72 पीस, इसी तरीके से हमारे पास 10 पीस है तो 10 पीस के 10 पीस ही हमारे पास, और ये 25 kg है तो 25 kg है, तो अल्टरनेट यूनिट साथ में दे रखी है। तो इसका मतलब ये 1601 रुपये यानी कि पर कार्टून का बेसिक प्राइस है यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। अगर हम टैक्स इंक्लूड की अगर हम बात करें तो अगर डिवाइडेशन करें 14,349.98 रुपये यानी कि इस प्रोडक्ट की जो फाइनल फिगर है, अगर इसमें बात करें हम 7 का तो लगभग 2,050 रुपये यानी कि एक उस प्रोडक्ट के एक कार्टून की वैल्यू आ रही है विद टैक्स। अगर 2,050 यानी कि यहाँ पे 1601 रुपये तो इसका मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब टैक्सेबल वैल्यू पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम एक प्रैक्टिकल के जरिए से समझ लेते हैं ताकि जब ये हम इनवॉइस बनाएंगे तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर और शीट नंबर 2 पे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 4 कॉलम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट का नाम है, एक GST रेट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक नेट अमाउंट लिखेंगे और एक टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फ्रेंड अब मान लीजिए अब आपके पास आप मोबाइल सेल करते हो, आपके मोबाइल का शोरूम है, हमने एक प्रोडक्ट का नाम लिख लिया मोबाइल, और इस पे GST रेट हमने टाइप कर दिया 18% का यानी कि मोबाइल पे 18% का GST चार्ज होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें टैक्स इंक्लूड रेट, आपने उस कस्टमर से डिमांड करी है 10 यानी कि 10,000 रुपये की, और यहाँ पर भी हम एक कॉलम फिगर लिखते थे 10,000 रुपये की। अगर आपने कस्टमर से नेट अमाउंट की डिमांड करी है 10,000 रुपये, इसका मतलब ये हो गया इस 10,000 में आपका 18% का जो GST है वो इंक्लूड है यानी कि 10,000 रुपये का जो राशि है वो इसमें लगी भी है। अगर आप कस्टमर से ये बोलते हो भी इसका बेसिक प्राइस 10,000 रुपये है और आपको 18% का टैक्स अलग से देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये इसकी बेसिक प्राइस है, ये इसकी नेट वैल्यू है। अगर हम बात करें इस नेट अमाउंट में तो हम नेट अमाउंट में से टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसका। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये अमाउंट है, हम टाइप करेंगे कैलकुलेटर में 10,000 रुपये, अब इसका हमें बेस वैल्यू निकालनी है यानी कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू में निकालनी है, तो 10,000 इसको गुणा करेंगे 100 से, और उसके बाद हम फिर इसको भाग देंगे यानी कि डिवाइडेशन करेंगे, जितने परसेंट की GST है उसमें हम 100 प्लस कर देंगे यानी कि 18% की GST रख रहे हैं तो हम इस पर 100 प्लस कर देंगे तो 118, तो भाग 118, तो ये 8,474.58 रुपये यानी कि इस प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। अब कैसे कैलकुलेट हुई मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं 10,000 हमारी
बेसिक वैल्यू है, इसको हम गुणा करेंगे 100 से और जीएसटी हमारी 18% की है तो इसमें 100 प्लस करके 118 कर देंगे। अगर इसका जीएसटी रेट 12% होता तो भाग 112 करेंगे, 5 है तो भाग 105 करेंगे, 28 है तो 128 करेंगे। अब 18 है तो हम इसको 118 करेंगे, तो 118 करेंगे तो 8474.58 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, 8474.58, यानी कि ये इसका टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। अगर अब इस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे 18% का, तो 18% जब किसी अमाउंट के ऊपर हम चार्ज करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, तो इसको यूज करेंगे 8474.58। अब टैक्स ऊपर कैलकुलेट करने के लिए इनटू 18%, चाहे आप 18% कर दो चाहे 18/100 कर दो, तो यानी कि 1525.42 हमारी टैक्स की अमाउंट आ चुकी है। तो हम ये यहाँ पे टाइप करेंगे 1525.42। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी 10,000 रुपये की नेट फिगर बन चुकेगी, 7.58 + 1525.42, तो ये 10,000 रुपये की नेट अमाउंट हमारे सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं नेट अमाउंट में से, और ये हमारी टैक्स वैल्यू ऑलरेडी है, यानी कि इसके ऊपर हमें 18% का चार्ज करना है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, नेट अमाउंट हमारी 10,000 रुपये, इसके ऊपर हमें चार्ज करना है तो इनटू 18%, यानी कि 1800 रुपये, और ये 1800 रुपये हम यहाँ टाइप करेंगे। अगर इस इनवॉइस की अगर बात करें तो टोटल 11,800 रुपये, यानी कि इस वैल्यू के हिसाब से जो इस मोबाइल का जो फाइनल फिगर बनेगा, नेट अमाउंट जो बनेगी वो 11,800 रुपये बनेगी। अगर आपने कस्टमर को ये बोला है भी 10,000 रुपये इसकी टैक्सेबल अमाउंट है और इस पर 18% का अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो नेट वैल्यू बनेगी 11,800 रुपये की। अब इस धार पे ये जो 11,800 है ये इसकी नेट वैल्यू है। अगर आपने नेट अमाउंट के लिए बोला है तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी 8474.58 और 1525.42 इसका 18% का टैक्स बनेगा। जो हम टाइप करते हैं भी हमारा CGST तो है 9% का और SGST है 9% का, हम 9% हमारी SGST और 9% हमारी CGST। तो हम CGST और SGST की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितना हमारा जो 18% का नेट जो टैक्स आया है हम इसको डिवाइडेशन करेंगे 2 से, यानी कि 1525.42 डिवाइडेशन भाई दो, इसको हाफ हाफ कर लेंगे तो 762.71, तो 762.71, ये इसका SGST और CGST चार्ज देगा। फ्रेंड ये SGST और CGST IGST कब चार्ज होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, और ये कंपोजिशन डीलर और ये रेगुलर डीलर क्या चीज़ होते हैं, GST से पहले कौन सा टैक्स लगता था, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा नेट अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट में डिफरेंस जो है। तो अब वापस चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे, और एक्सेल शीट से पहले हम चलते हैं हमारे उस टैक्स इनवॉइस पे। तो फ्रेंड अब यहाँ हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है 1601.56। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें इस जो इनवॉइस हमारे सामने आ रहा है इसमें कुछ चीज़ें बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने हिडन भी करी हुई है। वो हिडन चीज़ें क्या है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। अब जैसे हमारे पास बेसिक प्राइस आ रहा है 1601.56 का, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1601.56। तो फ्रेंड ये 1601.56 ये एक बॉक्स का यानी कि एक कार्टून का बेसिक प्राइस है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1601.56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 7 जो बॉक्स हैं उसका टैक्सेबल वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1601.56 ये एक अमाउंट का एक कार्टून का बेसिक प्राइस हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 11,210.92। तो 11,210.92 यानी कि ये 7 बॉक्स 7 कार्टून का टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले इन सभी का अमाउंट निकाल लेंगे। तो जो नेट अमाउंट थी हमारे पास 1310.18, तो 1310.18। तो इसी तरीके से हम इसका भी इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 1310.18 इंटू 3 यानी कि 3954। हम इसको यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे 3954। इस तरीके से पर हमारे पास जो नेट अगली अमाउंट थी 1863, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1863, और इसी को भी हम
मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 1863 रुपये इंटू 10, तो 186 रुपये और 30 पैसे, तो हम 186 रुपये 30 पैसे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारी वीडियो का मेन मकसद है वो यही है भी हम SGST और CGST को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं आपको कोई एक्सेल में अभी कोई फॉर्मूले के थ्रू आपको नहीं बता रहा मैं, अब एक्सेल में कैसे फॉर्मूले लगते हैं जब हम टैक्सेशन पे मैटर पे अब जाएंगे तब आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम MS एक्सेल में किस तरीके से फॉर्मूले के द्वारा मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन या कोई प्लस माइनस करते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट फिगर है 104 रुपये 76 पैसे, तो हम टाइप करेंगे 104 रुपये 76 पैसे। हम इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करके इसकी बेसिक वैल्यू हम निकाल लेंगे, 104 रुपये 76 पैसे इंटू 25 यानी कि 2619 रुपये यहाँ पे टाइप करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है उसकी वैल्यू है 26 रुपये और 68 पैसे, तो ये हमारा 26 रुपये 68 पैसे। तो इसको भी हम यहाँ पे इसकी बेसिक वैल्यू निकाल के एक बार छोड़ देंगे इंटू 12 यानी कि 320 रुपये और 16 पैसे। तो फ्रेंड अब ये जो टैक्सेबल वैल्यू हमारे सामने हमको यहाँ पे जो हमने निकाली है ये आपको इस इनवॉइस में यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको केवल नेट अमाउंट मिलेगी जिसमें टैक्स इंक्लूड है। तो अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे अब ये जो CGST और SGST का अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट करिए, इसका तरीका भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड अब हमारे सामने इस 7 बॉक्स की जो 11,210 रुपये 92 पैसे जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पे हम 28% का यानी कि 14% CGST और 14% SGST को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब वो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे अपने फॉर्मूले से हमने सीखा था भी जब किसी टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास है उसके ऊपर हमें जब टैक्स चार्ज करना होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे 11,210 रुपये 92 पैसे ये इसकी बेसिक वैल्यू हमारे सामने हमने टाइप कर दी है। अब इसके ऊपर हमें 14% का टैक्स लगाना है तो इंटू 14% यानी कि 14 भाग 100, तो 1569 रुपये और 53 पैसे ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1569 रुपये और 53 पैसे। तो सेम यही हमारा CGST भी हो जाएगा 1569 रुपये और 53 पैसे। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेट अमाउंट आई है वो कैसे आई थी, इसमें हम टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST टैक्स को हम जोड़ देंगे तो हमारी नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी हम प्लस करके देखेंगे यानी कि 11,210 रुपये 92 पैसे बेसिक अमाउंट प्लस 1569.53 प्लस 1569.53 यानी कि 14,349 रुपये 98 पैसे ये हमारी नेट अमाउंट बन चुकी है। तो हम इसको 14,349 रुपये 98 पैसे अगर हम इसको इनवॉइस में देखें तो सेम ही ये फिगर इसने भी टाइप बना दिया है ऑटोमेटिकली। सेम 1569 रुपये 53 पैसे CGST और 1569 रुपये SGST चार्ज किया है और वही हमने कैलकुलेट में टाइप किया है। तो सेम इसी तरीके से ये कैलकुलेट करता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हम सभी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट था इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू हमारे सामने ये बन के आई थी और इसका हम 9% का SGT और CGST चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले 3930.54 इंटू 9% यानी कि 353 रुपये और 75 पैसे, तो 353 रुपये 75 पैसे, तो 353 रुपये 75 पैसे इसका SGST सेम ही बनेगा, जितना SGST बनेगा उतना CGST बनेगा। अब हम इसकी अगर नेट अमाउंट देखें तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे यानी कि 3930.54 प्लस 353.75 प्लस 335 यानी कि 4638 रुपये 4 पैसे, तो हम यहाँ पे 4638 रुपये और 4 पैसे यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सेम इसी तरीके से 186 रुपये 30 पैसे का हम 9% का भी कैलकुलेशन करेंगे, तो 186 रुपये 30 पैसे इंटू 9% यानी कि 16 रुपये और 77 पैसे, तो 16 रुपये और 77 पैसे SGT निकलेगा, 16 रुपये 77 पैसे SGT आएगा। अगर हम इन तीनों का अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो हमारे नेट अमाउंट आ चुकी है 130.86 प्लस हमारा CGST टैक्स प्लस हमारा SGST टैक्स यानी कि 219 रुपये 84 पैसे। तो सेम इसी तरीके से हम 2619 रुपये का 5% यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे, तो 2619 इंटू 2.5%, तो ये हमारे 65 रुपये और 47 पैसे
तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 65 रुपये 47 पैसे और ये भी 65 रुपये 47 पैसे। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेट अमाउंट भी हम टाइप कर देंगे 2619 हमारी बेसिक वैल्यू प्लस 65 रुपये 47 पैसे प्लस 65 रुपये 47 पैसे, तो टोटल 2749 रुपये 94 पैसे 49 रुपये 94 पैसे। तो इसी तरीके से 320 रुपये 16 पैसे का भी हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे इनटू 2.5% यानी कि 8 रुपये। तो इस तरीके से 8 रुपये हमारा CGST हो जाएगा और 8 रुपये SGST हो जाएगा। अगर हम तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रोडक्ट की नेट अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी +8 + 8 यानी कि 336 रुपये और 16 पैसे। तो इस तरीके से ये टैक्स की कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हिडन रूप से कर देते हैं। अगर हम इसके इनवॉइस अगर मैच करना चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। तो इसकी 4638 रुपये 4 पैसे वैल्यू बन चुकी है, तो इसके भी 4638 रुपये और 4 पैसे। इसमें 353 रुपये 75 पैसे का टैक्स लगा हुआ है, तो इसमें भी 353 रुपये 75 पैसे और 353 रुपये 75 पैसे का टैक्स चार्ज लगा हुआ है। तो नेक्स्ट अमाउंट हमारे 16 रुपये 77 पैसे टैक्स है और 219 रुपये 85 पैसे है, तो वही 219 रुपये 84। एक आधे पैसे का डिफरेंस हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में, एक्सेल की कैलकुलेशन में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन में फ़र्क हो सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास टैक्स सभी निकल के कैलकुलेटर हमने निकाल दिए। तो ये सब कुछ जो हमने वर्क मैनुअली वर्क करके देखा है, ये सब कुछ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हिडन रूप से ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो चाहे वो टेली हो, बीजी हो, मारग हो या किसी भी टाइप का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो वो। तो हम अब इसकी नेट जो ग्रोस वैल्यू हमारे सामने आई है उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इन सभी फिगर्स को प्लस करेंगे। इसमें से हमारा पहला 14349 रुपये 98 पैसे प्लस 4638.04 प्लस 219 रुपये 84 पैसे प्लस 2749 रुपये 94 पैसे प्लस 336 रुपये 16 पैसे यानी कि 22293 रुपये और 96 पैसे। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी आई है 22293 रुपये 96 पैसे यानी कि ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है विद टैक्स। और हम यहाँ पर इसको टाइप करेंगे 22293 रुपये 96 पैसे 22293 रुपये 96 पैसे। अब उसके बाद लेस डिस्काउंट, इस इनवॉइस में हमें डिस्काउंट मिला हुआ है 250 रुपये का, ये 250 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला है। तो हम 250 रुपये यहाँ पर भी टाइप करेंगे। एड फ्रेट यानी कि जो एक्सपेंसेस जो किराया बढ़ा है वो हमको चार्ज किया हुआ है इनवॉइस में 100 रुपये का, तो हम यहाँ पर भी 100 रुपये चार्ज करेंगे। और इसमें हमारा राउंड ऑफ भी किया हुआ है 4 पैसे को, तो वो भी हम राउंड ऑफ इसके अंदर भी करेंगे 0.04 पैसे से। अब इसके हम जो नेट वैल्यू है इस इनवॉइस की वो कैसे कैलकुलेट करिए, तो सबसे पहले जो हमारी टोटल वैल्यू आई थी 22293 रुपये 96 पैसे की, उसमें से हमको जो डिस्काउंट हुआ 250 रुपये का वो माइनस करेंगे, तो यानी कि -250 रुपये। तो इसके बाद हमें 100 रुपये का किराया प्लस हुआ है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 100 रुपये को। इस तरीके से 22143 रुपये 96 पैसे आगे, और इसमें हमारा 4 पैसे है जो राउंड ऑफ है 0.04। तो इस तरीके से 22144 रुपये है जो हमारी इनवॉइस की नेट अमाउंट बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड ये इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो हमें मैनुअली रूप से तैयार करना आना चाहिए। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई भी इनवॉइस अलग अलग टाइप का फॉर्मेट आपका जरूर हो सकता है, लेकिन आपको CGST और SGST यानी कि टैक्सेबल वैल्यू और नेट वैल्यू की पहचान होनी बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इनवॉइस की बात करें, जो नेक्स्ट फॉर्मेट था हमारे सामने वो इसी तरीके से था। अब इसने इस इनवॉइस में जो टैक्स है यहाँ से अलग से चार्ज किया हुआ है, यानी कि ये 11210 रुपये 92 पैसे हमने हमारी इस सीट पे जो तैयार किया था 11210 रुपये 92 पैसे, अब इसने इस इनवॉइस में इस फिगर में ऑटोमेटिकली इसने टैक्सेबल वैल्यू को ही कैलकुलेट किया है और बाद में टैक्स चार्ज किया है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू है। अगर इस इनवॉइस की अगर हम बात करें तो इस इनवॉइस में यहाँ से इस इनवॉइस में जो हमारे प्रोडक्ट्स है इस प्रोडक्ट के बाद में यहाँ से अलग से कोई इस जगह पे कोई SGST या कोई CGST चार्ज नहीं हुआ, यानी कि ये जो टोटल है ये इन 5 प्रोडक्ट्स का टोटल है, और ये जो 5 प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट आ रही है ये विद टैक्स है, तो इसका मतलब ये भी विद टैक्स है, तो ये मतलब ये नेट अमाउंट है। और इस इनवॉइस में हमारे पास यहाँ पे टैक्स है जो अलग से चार्ज किया हुआ है इस फॉर्मेट में, तो इसका मतलब ये अमाउंट है जो ऑलरेडी
टैक्सेबल अमाउंट है, इस पे टैक्स अलग से चार्ज किया हुआ है। तो अब हमारा यहाँ पे इसमें लेस डिस्काउंट 250 रुपये और फ्रेट हमने 100 रुपये प्लस हमको हुआ है, तो 22,144 रुपये ये हमारे पास नेट अमाउंट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट होता है बस वो वही होता है टैक्सेबल वैल्यू को पहचानना। और ये जो समरी जो तैयार करी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने, ये किस तरीके से तैयार करी है, ये इसने HSN कोड वाइज तैयार करी है। अभी इस कोड में 0902 5% के प्रोडक्ट है, 0910 3305 और 3305 28% और 18% का प्रोडक्ट। अब ये भी हम आपको बता देता हूँ इस कंप्यूटर ने कैसे तैयार की है। तो फ्रेंड सबसे पहले 0910 जो प्रोडक्ट है 5% का, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट का भी कोड 0910 है, तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास 2619 रुपये बनी थी ये वाली, तो हम इसको यहाँ पे टाइप करेंगे टैक्सेबल वैल्यू 2619। और 0902 यानी कि ये वाला प्रोडक्ट हो चुका है हमारे सामने। अब इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी हमारे सामने वो थी 320 रुपये 16 पैसे की, वो 320 रुपये 16 पैसे हम यहाँ टाइप करेंगे। और ये 3305 यानी कि 28% का कोड है, ये 3305 28% का ये एक ही अमाउंट है, इसके जो 11,210 रुपये 92 पैसे इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, तो 11,210 रुपये 92 पैसे। तो 3305 यानी कि 18% का प्रोडक्ट, अब 18% के प्रोडक्ट ये हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट के में टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी कि हमारे 3930.54 और प्लस 186 रुपये 30 पैसे को, तो ये टोटल 4116.84 हमारे पास सामने आ चुका है। तो इस तरीके से अब इसके CGST और SGST कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब हमें पता है ये हमारी अमाउंट है जो टैक्सेबल अमाउंट पे कॉलम में आई हुई है, तो इसका मतलब इस अमाउंट पे टैक्स अभी 5% का अलग से चार्ज होएगा, यानी कि 2.5% CGST और 2.5% SGST। तो वो हम कैसे चार्ज करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने अमाउंट है 2619 रुपये की इंटू 2.5%, यानी कि 65 रुपये और 47 पैसे। अगर हम चाहें, अगर आप ऑलरेडी 5% निकालते हो 2619 × 5%, तो ये हमारे सामने नेट अमाउंट आ चुकी है 5% की। आप इसे अगर डिवाइडेशन करोगे 2 से तो 65 रुपये 47 पैसे ही आएगी, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 65 रुपये 47 पैसे और 65 रुपये 47 पैसे। इसी तरीके से ये 5% का जो 320 रुपये का जो वैल्यू आई थी 8 रुपये, वो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे 8 रुपये का, और यहाँ पर भी 8 रुपये। तो इसी तरीके से 11,210 रुपये 92 पैसे का जो टैक्स बना था 1,569 रुपये 53 पैसे और 1,569.53। तो इस तरीके से हम 4,116 रुपये 84 पैसे का टैक्सेबल वैल्यू बना लेते हैं, 4,116 रुपये 84 पैसे इंटू 9%, यानी कि आधा हम पहले निकालेंगे, तो 370 रुपये और 52 पैसे, तो 370 रुपये 52 पैसे, तो 370 रुपये 52 पैसे। तो इस तरीके से हम इन सभी टैक्सेबल वैल्यू का यहाँ पे टोटल लगाएंगे, हम इसको फॉर्मूले के तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा इस फॉर्मूले का हम कॉपी करके यहाँ पे भी टाइप करेंगे, तो इस तरीके से हमारा 4,027 रुपये 4 पैसे यहाँ पर भी आएगा। अगर हम टोटल टैक्स की बात करें तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, SGST और CGST को, और इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा जब टोटल टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन 4,027 रुपये 4 पैसे जो इस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने तैयार कर रखी है। और ये फॉर्मेट हमने हमारी जो एक्सेल शीट है उस पर हमने मैन्युअली रूप से तैयार करके देखा है, तो दोनों डाटा हमारा बिल्कुल ओके मैच हो रहा है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा भी, अगर हमारे सामने कोई मैनुअली अगर इनवॉइस बनाने के लिए बोल दिया जाए जिसमें से कुछ प्रोडक्ट के नाम और उसकी क्वांटिटी और उसका नेट अमाउंट अगर हमें लिख दिया जाए, तो हम उसमें से टैक्सेबल वैल्यू और उसमें CGST और SGST कैसे चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल तरीके से टैली और कंप्लीट अकाउंट और टैक्सेशन का कोर्स सिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।